वो आपके ऊपर भी सूट होता है, हमारे ऊपर भी होता है, और हमारे जैसे और भी जो मिशन में जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी सूट होता है। वैसे ये रहा कि तरक्की की फसल तो हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। बस मेरे लिहाजे में जी हुजूर न था, बस मेरे लिहाजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं तो कब का अमीर हो जाता। जय भीम सुदेश जी। जय भीम उमेश जी, आपके चैनल को, भोजन हलचल को आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। मैं सुदेश कुमार आ रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश लोकसभा जॉन कोऑर्डिनेटर जी। और आज आपने इस चर्चा में मुझे भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जी जी धन्यवाद। जो सुदेश जी, हमारा जो टॉपिक है ये रहेगा कि जो दलितों पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, जैसे अभी जो ताजी घटना है हाथरस की, मनीषा वाल्मीकि को लेकर सरगर्मियां तेजी से बढ़ी हुई है, राजनीति गलियारों में भी काफी शोर मच रहा है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे आज, क्योंकि आप भी पार्टी से जुड़े हुए और सोशल एक्टिविस्ट भी हो, काफी आप पढ़ाई करते हो, इस चीज पर अध्ययन करते हो। जी सुदेश जी, इसको जो मामला है, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ने जो आज ट्वीट किया है कि जो हाथरस का डीएम है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, कि डीएम को जब तक निलंबित नहीं किया जाएगा तो वहां पर निष्पक्ष जांच कैसे होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब उमेश भाई, क्योंकि ये सारी घटना का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि तो बड़ा गंभीर मसला है इस देश के लिए। इस देश की आधी आबादी की बात की जा रही है, जो लोग हजारों सालों से दबाए सताए जाते थे, चाहे वो अपर कास्ट में हो, चाहे निम्न कास्ट में हो, चाहे समाज के किसी वर्ग में हो, उस आधी आबादी की आवाज को भी बात की जा रही है, जिसकी बड़ी पूरे भारत में बहुत आक्रोशित रूप से लोग आवाज उठा रहे हैं। हम अब बात करें नारी शक्ति की। आपको पता है इस देश में हजारों सालों से महिलाओं के ऊपर शोषण होता रहा जी। आपको पता है इस देश में हजारों सालों से बेटियों का बलात्कार और छोटी छोटी बेटियों का बाल विवाह होता रहा, और ये सब सारे जो कुरीतियां इस देश में भारत की वह सबसे ज्यादा विद्यमान है। और इस दुर्भाग्य है कि इस देश का ही जो मानव है वो नवरात्रे और पता नहीं कौन कौन से त्योहारों में उन बेटियों को पूछता भी है, और उन्हीं बेटियों के साथ वही इंसान, वही पुरुष उसके साथ दुराचार करता, बलात्कार करता है। यहाँ तक कि अभी देखने को मिलता है कि उन बेटियों के जो बलात्कार करने वाले लोग हैं उनके समर्थन में जो आज के भगवादारी सत्ताधारी लोग हैं वो रैलियां और मीटिंगें करते हैं। आप सभी को पता है कि हम सब कहते हैं बार बार कि जो सरकार है वर्तमान में वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है, गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। उसका प्रमाणिक रूप से जो बहुत सारे डाटा है लोगों के पास, और लोग जो कह रहे हैं, लोग जो दिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे हम लोगों को दिखाई दे रहा, वो पूरी तरह प्रमाणिक है कि सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक चीजों में विश्वास करती है। हम कह सकते हैं कि मनुवादी विचारधारा की सरकार है ये। आप सभी को पता है 2014 में जब ये पूरा महिमामंडन करके ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भारत में बनी, उसके बाद पूरे भारत में जो भाईचारे का ताना बाना था वो पूर्णतः विखंडित हो गया। लोगों को जातियों में बांट दिया गया, लोगों को धर्म में बांट दिया गया, लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया गया, और लोगों की जो नीड थी, जो जरूरतें थी जिसके ऊपर ये आए थे, वो सारे खोखले वादे साबित हुए। अब जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है या उसके आसपास के राज्यों में देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, सबसे ज्यादा जो घटनाएं अत्याचार शोषण जो भी हम कह सकते हैं जिसमें घटनाओं में हम लोग सिर जाते हैं, कंपन कर जाते हैं, वो ज्यादातर आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश के राज्यों में देखने को मिल रहा है जी। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार की, ये बार बार धर्म को लेके आ रहे हैं, बार बार धार्मिक उन्माद को पैदा कर रहे हैं, बार बार लोगों में जातियां और तमाम तरह के गमछे, भगवादारी पता कौन कौन से गमछे जोड़ते लोगों में एक धर्म के प्रति आस्था पैदा कर रहे हैं और मानवता के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं जी। अब जो घटना हुई है ये हाथरस वाली या बलरामपुर वाली या राजस्थान में या आपके गाजियाबाद में या भदोही में, और ये घटना पहली बार नहीं हुई है और आखिरी बार भी नहीं होगी मुझे लगता है, लेकिन जिस तरह से सरकारों का रवैया रहा है, जिस तरह से प्रशासनिक और पुलिस महकमे का रवैया रहा है इन घटनाओं के प्रति, वो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक और गैर प्रशासनिक था, और उसपे लोगों में रोष होना बिल्कुल जायज बात है। आपको पता, हाथरस की बात ले लें, जो 14 सितंबर को घटना घटित हुई,
और तमाम लोगों ने और उस परिवार ने, पीड़ित परिवार ने इस पर आवाज उठाई होगी, बिल्कुल उठानी चाहिए थी। जब वो पीड़ित परिवार अपने दवाई उपचार के लिए और साथ में कानूनी प्रक्रियाओं के दौर से गुजर रहा था, इन मनवादी ताकतों ने जो बैठे सत्ता में और प्रशासनिक पुलिस में और डीएम वहां के इस मामले को दबाने को और खत्म करने के काम कर रहे, और उस दौरान ही हम लोगों ने जो बहुजन समाज के बीच ये बात फैली, तो हम लोगों ने भी सक्रियता से इसका जो संवैधानिक स्वरूप हो सकता है उसके तहत आवाज उठाई। मैंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से हाथरस पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और एडीजी अलीगढ़ को हमने इसको ट्वीट किया और कहा कि इस घटना का संज्ञान लें और इस पे जो भी कार्रवाई उचित हो उस पे कार्रवाई की जाए कानूनी तौर पर, और जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि 18 से 19 सितंबर को मेरे पास वहां के डीएम एसपी साहब का मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड ट्वीट होता है और वो बताते हैं कि घटना में अपराधियों के खिलाफ एफआईआर हो गई है और धरपकड़ के लिए, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चालू है। और उस दौरान तमाम जो राजनीतिक संगठन, जो राजनीतिक सरोटियां सेकने के लिए आतुर होते हैं, तो आपने देखा किस तरह से पूरा व्यवमंडन किया जाता है। हम बात करें हाथरस की, उस वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिसका जिसकी बात माननीय बहन जी ने बार बार, जिस दिन से बहन जी ने प्रॉपर, बहन जी का सीधा सा फंडा है कि हम जब तक पूरे संवैधानिक प्रक्रियाओं को ना समझ लें तब तक हम उसमें ओवर रिएक्ट ना करें। तो बहन जी ने पहले घटना के बारे में समझा जाना, उसके बाद उस घटना के बारे में सरकार को नसीहत दी, और आपको पता है कि उस ट्वीट के बाद तुरंत आनंद फानंद में योगी आदित्यनाथ को 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर अलग से करनी पड़ी, जो लोग उसमें नहीं थे पहली वाले एफआईआर में, और उस एफआईआर के बिहाफ पर वो 4 लोग गिरफ्तार हुए जी। और अगली सुबह जब उससे, जब हालात वहां पे आयसन मेडिकल आगरा कॉलेज में जब बच्ची की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने रेफर कर दिया दिल्ली के लिए। और मुझे लगता है प्रशासनिक मर्डर है, ये प्रशासनिक हत्या है, क्योंकि ये सरकार और सह के द्वारा हत्या है। उन 4 दरिंदों ने तो बलात्कार किया लेकिन उसको जलाया भी गया। जलाया किसने? राज्य सरकार और प्रशासन ने, प्रशासन इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है, ये प्रशासनिक जलाई है। जैसे आपने सुना होगा हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ प्रवर्ता हुई थी, उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने वाले भी बलात्कारी थे और बलात्कार करने वाले भी वही रेपिस्ट थे, तो इसमें तो सरकार भी मिली हुई है। तो अब आप किस पे गुहार करेंगे? जैसे सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की, हम लोग खुद जब सफदरजंग में बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो हम लोग गए, क्योंकि वहां पर जाकर हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं थे। मेरी उनके पिताजी से बात हुई थी दोपहर में 1 बजे, जिस दिन बच्चे के देहांत हुआ है, तो उनके पिताजी को हमने जो बहन जी का सब थे हमने वही किया कि माननीय बहन जी चिंतित है और माननीय बहन जी से कानूनी तौर पर जो आप सुरक्षा और आपकी बेटी को न्याय हो सकता है सरकार पर दबाव डाल रही है। मैं जी हमारे सब थे, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग उनके कॉल की जिससे मेरे उनके पिताजी से बात हुई है, ओम प्रकाश जी से। तो ये सब जो बातें हुई है, ये जो घटनाक्रम है, तो इसमें माननीय बहन जी का जो रोल है वाकई में बहुत सुधा हुआ है, बहुत मानवीय दृष्टिकोण से है, बहुत संवैधानिक तौर पर है, जिसमें न्याय मिले और उस पूरे परिवार के साथ कोई अवांछित घटना ना घटित हो जाए। क्योंकि आपको पता है ये मनवादी ताकत है, जिस तरह बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं, उस परिवार को भी नष्ट कर सकते हैं। कुलदीप सेंगर वाला जो मैटर है वो हमारे सामने एग्जांपल है। बिल्कुल तमाम आपने जो घटनाओं का जिक्र अगर हम करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, हमारे दर्द की दास्ता खत्म नहीं होगी जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही लगभग दिन थे, दिसंबर का महीना था 2012 में, 16 दिसंबर को इसी देश में एक निर्भया बच्चे के साथ इस तरह बदरंदगी होती है। पर मुझे इस बड़ा अफसोस साथ कहना पड़ता है कि बच्चे के साथ बदरंदगी होती है, पूरा देश खड़ा होता है, पूरा मीडिया खड़ा होता है, पूरा राजनीतिक तंत्र खड़ा होता है, पूरे जन बच्चे से कॉलेज स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, लेकिन आज वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ बलात्कार और इस तरह घटनाएं होती है, तो मात्र चंद्र राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग आपको नीला पीला गमछा डाल के या तमाम तरह के धक्का मुक्की करते हुए लोग दिखते आएंगे उस भीड़ में जी। जी अगर आज देश क्यों खड़ा हुआ, ये बात सवाल जायज है। आज क्या वो सिर्फ दलित की बेटी थी? निर्भया एक देश की बेटी थी, और मनीषा या बलरामपुर की घटना या भदोही की बेटी, ये सारी दलित की बेटियां हैं। और आपको बड़ा अफसोस होगा, मैं अभी एक किसी मित्र का पोस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये कि बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने पोस्ट को लिखा और कहा कि बलरामपुर में जो घटना हुई है दलित बेटी के साथ, जिसमें इंजेक्शन देके बेहोशी का उस बच्चे साथ बलात्कार किया गया, उसको मारा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके पैर तोड़े गए, और उस घटना को इस राजनीतिक तंत्र ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भीड़ आर्मी के नए नए चंदू चोर हो, उन लोगों ने बाकायदा, आपको देखने को मिला होगा, वहां पर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर राजनीतिक माइलेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो बेटी दलित की है वो शिल्पकार की बेटी है, जिसकी मात्र संख्या 30 से 35 हजार है।
लेकिन वाल्मीकि समाज हमारे बड़ी संख्या में रहता है, हमारे बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ी तरह से जुड़ा रहता है, इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग यहाँ चले गए। जी जी, आपको पता हो कि उस जो बलरामपुर की घटना हुई है, मैं इसलिए इस बात को वृतांत से बताना चाहता हूँ कि इस सभी में षड्यंत्र क्या है। और माननीय बहन जी के ऊपर लोग कहते क्यों नहीं कि बहन जी अगर जाएंगे आपको पता करते घटना कैसी हो सकती है, वहां पर माहौल खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लोगों को जो पीड़ा हो रही, परिवारों को पीड़ा हो रही, गांव के आसपास के लोगों को पीड़ा हो रही होगी, सर्व समाज की पीड़ा हो रही होगी, उस पीड़ा को देखते हुए और वहां का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े तो बहन जी जितना हो सकता है कानूनी तौर पर आवाज उठा रही है। और बहन जी के कहने पर ही आपको सीबीआई जांच का आश्वासन दिया गया, सीबीआई जांच को रेफर किया गया, तुरंत ही एसआईटी गठित की गई तीन लोगों की राज्य सरकार द्वारा, और यहाँ तक कि एसपी और एसएसपी निलंबित किए गए, अब लोगों के डीएम की तरफ की निलंबित की भी मांग है। तो ये सब घटनाक्रम इस घटना को दिखा रहा है कि सरकार एक तरफ से दीपापोती कर रही है, कुछ मुर्दाखोर राजनीतिक जो लोग हैं जो वहां जाके भीड़ भाड़ करके हू हल्ला कर रहे हैं, टोल पे तोड़फाड़ी कर रहे हैं, तो इससे दिखाई देता है कि वो लोग सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के चक्कर में है। सुधीर जी, जैसे कि हाथरस के अंदर जो एमपी है वो बहुजन समाज से ही है, वाल्मीकि समाज से, दिलेर जी, क्या हाथरस के अंदर, मेरे नॉलेज में नहीं है, वो एससी सीट है, रिजर्व सीट है क्या वहां पर सांसद की? मैं आपको बता दूं, वो हाथरस की आगरा की जो सीट है, दोनों सीटें उस क्षेत्र में रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है वो, तो इसलिए हमारी राजनीति रोटी जो सेकी जा रही है, सेकी जा रही है बिल्कुल, और इसका पूरा जो इम्पैक्ट पड़े पूरे राज्य में पड़े, ठीक है, उसका पूरा राजनीतिक अड़ किया जा रहा है। लेकिन वो जो लोग एससी समाज के हैं, एससी ओबीसी समाज के हैं, जो लोग इन राजनीतिक दलों में गुलाम बने पड़े हैं, तो आपको पता है कि कहा गया है, महासभा मेडिकल का मानव साहब ने कहा है कि जो राजनीतिक रूप से इनके गुलाम बने पड़े, उनकी पूछ तो लंबी हो सकती है जी, पर ताकतवर नहीं हो सकती है, वो अपने मक्खी भी नहीं मार सकते उससे। और वही देखने को मिला वहां का जो दलित सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, जो खुद वाल्मीकि समाज से आता है, वो किस तरह का रिएक्ट करता है, कहते हैं लोग वो जो जमीन बैठ चाय पीता है, अपना गिलास घर से ले जाता है, ये बहुत सारी जो वित्त जो कहानियां हैं जो वहां सुनने को मिलती है। हमारा उन सभी से सरोकार नहीं, हमारा तो सरोकार ये है कि आप 131 सांसद जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो मुंह में दही जमा क्यों बैठे हैं? आज जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो महिला शक्ति होती थी, जो उसमें चूड़ियां और घाघरा पता तमाम तरह के लिबास महिलाओं को भेजती थी उस समय के प्रधानमंत्री तमाम ब्यूरोक्रेट्सों को, आज वो लोग कहाँ मर गए? सवाल तो उनसे होना चाहिए। हाथरस की घटना ना पहली बार हुई है, ना पहले कभी ऐसे आगे कभी रुकेगा, लेकिन घटना पर रिएक्ट करना, घटना के द्वारा न्याय की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, ये हमारी मांग होती है, हम चाहते हैं, लेकिन सरकार इस तरह से नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ आपको पता है, और उनका डीएम किस तरह परिवार को धमका रहा है, ये आप लोगों हम लोगों से किसी छुपा भी नहीं है और सब कुछ ओपन में हो रहा है। और यहाँ तक कि जो केंद्र की सरकार है वो पूरी तरह इसमें लिप्त मानी जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार चुप बैठी है, वो जाके कहीं अपना तमाम तरह के स्लोगन कर रहे हैं, तमाम तरह के उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उनको जो बहन बेटियों की इज्जत की आबरू की बात हो रही है उस पर उनका प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज भी कहीं ना कहीं शिलान्यास कर रहे होंगे झूठ का, लेकिन उनको ये नहीं पता जिससे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान दिया था वो स्लोगन सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। आज बेटियां कह रही है कि अब प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, बेटियां कह रही हैं महिला आयोग कहाँ है, बेटियां पूछ रही है, जो देश में 1989 में SC/ST आयोग बना था जो सिर्फ और सिर्फ दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए था, वो कहाँ है? सवाल होने चाहिए ना संस्थागत, यही सवाल माननीय बहन जी कर रही है, न्याय प्रक्रियाओं से पूछ रही है, और उनका दबाव इतना ज्यादा है। आपको पता है कि जब बहन जी ने PC की, तमाम जो राजनीतिक दल अपना गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, तब तो योगी आदित्यनाथ अपने आराम से गुफा में बैठकर मठ में बैठकर घंटा हिला रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही माननीय बहन जी जब ज्यादा घटना में रोष हुआ, बहन जी ने देखा बच्ची चली गई है, और घटना हुई भदोही की घटना हुई, गाजियाबाद में हरा राजस्थान में घटना हुई, उसके बाद बहन जी पूरी तरह गुस्से में आकर अब मीडिया से मुखातिल होती है और कहती है योगी आदित्यनाथ जी से अगर उत्तर प्रदेश नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, आपसे उत्तर प्रदेश तो नहीं संभलता है तो मठ में जाकर मठ में बैठ, आप राम मंदिर अगर मठ में भी ना हो तो आप नया नवेला जो मंदिर बन रहा है उसकी देखभाल करिए, उत्तर प्रदेश नहीं संभलता, इस्तीफा देकर इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इसके की दलित समाज के बेटे बेटे बच्चे हैं, सर्व समाज के बच्चे हैं, उनको फेक एनकाउंटर किया है तो उनको बचाया जा सके। बहन जी ने यहाँ पे आपने देखा बहुत गहरी बात कही, बहुत गहरी बात कही उन्होंने, बहुत गहरी संवेदनशील और बहुत ही मार्मिक बात बहन जी ने, रोषित होते हुए और गमगीन होते हुए कि एक पुरुष जो खुद एक महिला की कोख से पैदा होता है, जो एक पुरुष खुद महिला की कोख से पैदा होने वाला योगी आदित्यनाथ भी है,
क्या उनको ये नहीं पता कि महिला का दर्द क्या होता है? बहुत बड़ी बात है, जिसको लकीर कर दिया जाए तो उसको मिटाना असंभव है इस देश के किसी भी पुरुष द्वारा, व्यवस्था द्वारा। और बहन जी ने अपने अपने शासन की भी याद दिलाई थी उसमें, उस जो बिल्कुल जो वो चार बार का शासनकाल का, इसका लोग कहते हैं कि बहन जी का वो शासनकाल आज भी लोग याद करते हैं, कानून व्यवस्था का शासनकाल, लोगों की आवाज को दबाया नहीं जाता था, प्रशासनिक जो सेवाएं थी वो लोगों की सेवा करने के लिए बनी हुई थी। गांव के डीएम यहाँ तक पूछते थे आपके गांव में झाड़ू लगा नहीं लगा, इस तरह की बातें आज भी सुनने को मिलती है। जो लोग मनवादी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो लोग भी कहते हैं कि बहन जी का शासन न्याय का शासन था, वो लोग भी डर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा ना हो उनके बेटियों पे आने लगे आज। आपको पता, एक हमारे महान कवि शायर जो अभी एक्सपायर हो गए हैं राहत इंदौरी जी, उन्होंने अपने शायर में दर्द वाला वो एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी कि लगेगी आग शहर में तो कई घर आएंगे जद में, लगेगी आग शहर में तो कई घर आएंगे जद में, जद मतलब घेरे, इस शहर में अकेला मेरा ही मकान थोड़ी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि इस देश में आज जो अत्याचार शोषण हो रहा है सरकारों द्वारा, आरएसएस विचारधाराओं द्वारा, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उनके घर तक ना आ जाए। सर्व समाज के लोग चिंतित है, लेकिन वो जाति विवाद मानसिकता की वजह से, जातीय आतंकवाद की वजह से आज वो अपने आप को सामने नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जाति आड़े आ जाती है, वो ठाकुरवाद या लालावाद या ब्राह्मणवाद सामने आया था, तो मजबूरी में वो सामने नहीं आ रहे, दर्द उनको भी है। तो इसलिए मैं, हमारा कहना है मतलब जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप सभी से छुपा नहीं, हम लोगों से बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन लोग हमसे कहते हैं आप लोग कहाँ हैं, हम लोग संवैधानिक तौर पर जो भी प्रक्रियाएं हैं उस पर गुजर रहे हैं, हम लोग खुद उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कानूनी बाधाओं को तोड़ कर नहीं, क्योंकि सरकार संविधान जो है वो कानून है, कानून का अगर हम अवहेलना करेंगे तो बाबा साहब की बात कहाँ रही। बिल्कुल, अगर आप बाबा साहब संविधान को हाथ में लेके नीला गमछा डाल के ड्रामाबाजी करते हैं तो इससे साफ दिखाई देता है कि आप राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं। तो मैं जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि आज माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीति नहीं कर रही है। आपको पता, ऊना कांड जब हुआ तो तमाम राजनीतिक दल चौथे दिन पांचवें दिन वहां पर जाकर उनके जो जख्म थे उनको क्रोधने लगे, लेकिन माननीय बहन जी एक महीने बाद गई। क्यों गई? उन्हें पता कि जख्म को पहले सही होने दो, उनके दर्द में अगर दर्द बांटे जो क्रोधेंगे जाके तो और दर्द बढ़ेगा। बहन जी ने एक महीने बाद उनके परिवारों से संपर्क किया, खुद जाके मिलके आई ऊना कांड में। उसके बाद आपको रोहित वेमला का केस पता हो, बहन जी ने संसद में आवाज उठाई, बहन जी उनके परिवार की मां से मिली। ये सब लोगों को बताने की जरूरत है। हमारे मीडिया अगर हमारा काम कर रहा है, हमारा भोजन मीडिया की हम बात करते हैं, जो आपको हमें, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मैं आपकी कोई वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल और एक वैभव कुमार जी का चैनल, दो चैनल ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का जो सही अवलोकन है वो लोगों को बताते हैं। बाकी लोग किस तरह से पेश करते हैं सिर्फ अपना अपना एजेंडा लेके, पेट तो सबने भरना है, लेकिन ऐसे नहीं भरो कि अपने समाज को ही गुमराह करने लगो। तो आपके चैनल को मैं इसीलिए बार बार साधुवाद करता हूँ कि आप लोग इस तरह की आवाज उठा रहे हैं। और एक संस्था जो बनी है बहुजन महापुरुषों की, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था एक राष्ट्र होना चाहिए, वो एक राष्ट्र एक संविधान के जरिए हो गया। बाबा साहब ने कहा था एक राष्ट्र एक पार्टी भी होनी चाहिए बहुजन समाज की, वो माननीय साहब ने पूरी कर दी, जिसका जो दारोदार है बहन जी के पास है और हमारे लोगों के पास है। जी जी साथियों, मैं तो यही कहूंगा भाई, जो अब घटना है उस पर आप लोग जो सवाल कर रहे हैं वो जायज है, और भी और आप कुछ जानना चाहते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। जी जी, सुधीर जी, आपने पूरा विस्तार से बताया सारा जो भी मामला था, ये लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक का सारा कुछ बताया, कैसे बेटी के साथ कब रेप हुआ, कैसे किया, और उन लोगों को कैसे बचाव हुआ, किस तरीके से रात को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया प्रशासन द्वारा, और किस तरीके से यहाँ पे जो बहन जी ने ट्वीट करके आवाज उठाई है, आज जो ताजा ट्वीट है कि डीएम को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक उनका बचाव होता रहेगा और मामले की जो निष्पक्ष जांच है वो नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो बहन जी ने बात कही है कि वहाँ पे, एक तो पहले वहाँ पे जो रात को हुआ, देखो अगर आप, मैं मानता हूँ कि अभी हमारा जो बहुजन समाज है जो जातीय और धार्मिक मकर जाल में उलझा हुआ है, और वो लोग अभी भी अपने संस्था और अपने संस्कारों को मानते हैं, पद्धति जो रीति रिवाज है, तो हिंदू रीति रिवाज हिसाब से रात को 2 बजे कोई दाह संस्कार नहीं होता। जी जी जी। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सरकार लावारिस का तो कर सकती है दाह संस्कार चुपके से, वो राइट है उसको, जब कोई नहीं मिलता, लेकिन जब माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते, पूरा गांव मुनवा कुनवा और रिश्तेदार है, उसके बाद भी सरकार रात के 2 बजे जाकर उनका दाह संस्कार कर देती है बच्ची का, इसके साथ दिखाई देता है कि साक्ष्यों को छुपाने का काम राज्य सरकार और राज्य सरकार कर रही है। सुधीर जी, देखा है इस पर मैं आपको बता देता हूँ
कि एक तो साक्ष्य को छुपाने की साजिश है, और दूसरा एक मैं आपको उदाहरण वह बताऊंगा, जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश शासन था और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के ऑर्डर दे दिए गए थे, तो देश खड़ा हो गया था उनको बचाने के लिए, और साजिश थी जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी और दो चार लोग थे, उन्होंने जो फांसी की सजा थी उसको टाइम से पहले ही करा दिया गया, मतलब जैसे कि हाँ मतलब पहले ही टाइम से करा दिया, और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से नहीं होने दिया गया उनको। रात को एक सतलज एक नदी है उसके किनारे पर ले जाकर उनको कुल्हाड़ियों से काटा गया पहले, और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर उनको ऐसे ही जला दिया गया लवारिस की तरह। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि देश एक तरफ खड़ा हो जाएगा, और उनकी जो सत्ता थी, जो उनका राजनीति थी गांधी जी की, कांग्रेस की, वह खत्म हो जाएगी। तो इसमें यह है कि जो हमारी मनीषा बहन है, इसको इंसाफ दिलाने के लिए तमाम बहुजन समाज के संगठन, तमाम बहुजन समाज जैसे कि आप हो, एक्टिविस्ट और बहुत लोग थे जो लगे हुए थे। मैं नाम लेना चाहूँ तो यदि बहुत सारे नाम की लिस्ट है, सतपाल तंवर, संदीप वाल्मीकि जी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दिन रात वहां पड़े रहे, लगे रहे, तो सत्ता डर गई थी, सरकार को लगा कि कहीं भूचाल ना आ जाए, तख्ता पलट ना हो जाए, तो इस वजह से उनको जो रात को अंतिम संस्कार किया, हो सकता है कि सत्य है ये, कि क्योंकि जब आवाम की ताकत होती है तो सरकार भी घबरा जाती है, बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं उनका सब। इस बात को भी अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से ले जाऊं अपनी तरफ से, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस जो घटना में, खासकर जो महिलाओं के प्रति जो दरिंदगी पेश की जा रही भारत में, और खासकर उत्तर प्रदेश में जंगल राज, जो गुंडा राज बना हुआ है, जो माफिया मंचले, जो बेलगाम योगी आदित्यनाथ सरकार में घूम रहे हैं, और उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया विपक्ष का और देश के आवाम का, जो लोग समय से जाग खड़े हुए और एक बहुजन समाज की बेटी के न्याय के लिए आवाज बुलंद करने लगे। इस बात के लिए बहन जी ने धन्यवाद किया कि आज पहली बार विपक्ष ने किसी अच्छे मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे पर जिसपे देश एक साथ हो सकता है और देश ने एक आवाज लगाई भी है, तो वो बहन जी ने उसका साधुवाद किया और कहा इस बच्चे को न्याय दिलाने के सभी लोग खड़े हुए हैं, जिस देश से वो न्याय मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लाइन खींची बहन जी ने और उस पर बात कही है। लेकिन मैं बताऊं तो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम जब बात कर रहे हैं एक मनीषा पे, लेकिन हम बात करें आसपा पे भी, हम बात करें गुड़िया पे भी, हम बात करें गोल्डी यादव पे भी, ये देश की बच्चियां थी। अभी उसके बाद और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो जहन में आती हैं, नाम लेते लेते सार सुबह से शाम हो जाए, और जो घटनाएं जो हमारे सामने, हमारे आंदोलन या हमारे समाज से, हम जो खड़े हैं समाज के लिए, उस दौरान हो रही है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आवाज उठा रहे हैं तब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। सोचिए जब देश में कानून नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, जो हजारों सालों गुलामी होगी, उसमें क्या दशा होती होगी। आज आपका तो कैमरा है, पहले तो वो भी नहीं था, मीडिया भी नहीं था, सिर्फ पहली बार मानवर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक और तमाम तरह की पत्रकारें निकाली थी, तब हमारा मीडिया कहीं ना कहीं हमारी बात कह पाता था। तो मुझे लगता है कि जो घटनाएं हो रही है, जो घटनाओं का पूरा दंश है, ये पूरी मनवादी, जातवादी, आतंकवादी व्यवस्था का स्वरूप है, और इसलिए है कि हम लोग चुप हैं और चुप है, और साथ में हम लोग क्या है कि जब घटना हो जाती है उसका ओवररिएक्ट करते हैं। लेकिन मानवर काशीराम जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, कि हमारा समाज रोता है, चिल्लाता है, चीखता है और पिटता है, उसकी बहन बेटियों साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, युवाओं के साथ द्रासकाएं और तमाम कानून प्रक्रियाएं होती है, क्यों होती है इसके बारे में नहीं सोचता है, क्यों होती है, क्योंकि वो हुक्मरान नहीं है, शासक नहीं इस देश का, और जो लोग शासक होते हैं उनकी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख तक नहीं उठा सकता, नहीं उठाता, बहुत बड़ी बात है, कोई व्यक्ति उनके समाज पर उंगली तक नहीं टच कर सकता है। तो जो हुक्मरान नहीं होते उन पर अत्याचार होते हैं, इसीलिए बहुजन समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ है, हम कहने को तो बहुजन समाज है लेकिन कहते क्या है कि उमेश जी चमार है, फला सिंह जाटर है, फला सिंह धोबी है, फला सिंह अहिर है, गुजर है, गडरिया है, पासी है, कुमार जी, तमाम निषाद बाथम, तमाम जातियों से इंडिकेट करके हम लोग अल्प जन बन जाते हैं। ये बिल्कुल, तो आप अल्प हो जाओगे तो आपको कोई भी ठोकेगा, कोई भी पीटेगा, जैसे आपको पता है एक जाति, एक धर्म विशेष के खिलाफ किस तरह षड्यंत्र रखा जा रहा है इस देश में, लगातार मरने के रूप में कभी किसी पूछ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं, ये सब क्यों किया जा रहा है, टुकड़ों में छोटे कम संख्या में बता दिए, और हमारे भोजन भी उसी तरह है, बहुजन भी जातियों में बटकर अल्पजन बना हुआ है। जब तक हम लोग बहुजन समाज की ताकत को इकट्ठा करके इस देश में सत्तारूढ़ नहीं होंगे, और सत्तारूढ़ किससे होंगे, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशनली राइट लोकतंत्र में मिला है वोट का, वन वोट वन वैल्यू, इसकी वैल्यू को समझ पाए तो हम लोग सत्ता में आएंगे,
और सत्ता में आएंगे तो आप उत्तर प्रदेश का फिर वो चार बार का शासन याद करिएगा। बहन जी के शासनकाल में तमाम ऐसे बड़े काम हुए जिसमें महिलाओं को सुरक्षा दी गई, तमाम ऐसे काम हुए जिसमें पुरुषों को रोजगार और सुरक्षा दी गई, तमाम ऐसे काम हुए जिसमें बहुजन महापुरुषों को इंकित करके इतिहास रचा गया, तमाम ऐसे काम हुए जिनके पास जमीनें नहीं थी, जिनके पास घर नहीं थे, जिनके पास लाइसेंस हथियार नहीं होते थे, सभी को सुरक्षा दी गई। ये सब बहन जी के शासन काल में, और बहन जी ने किसी के जात या किसी धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक साथ समाज से समानता के हिसाब से बांटा है। अब सुदेश जी बताइए मेरे को, जैसे कि आपने कहा कि मान्यवर काशीराम जी के आपने वह भाषण वह स्पीच याद दिलाई कि जिस जो हुक्मरान होते हैं उन पर अत्याचार नहीं होते, और वह उन्होंने एग्जाम्पल ही बताया था जैसे मुगल चंद मुट्ठी मुगल आए, चंद मुट्ठी यहाँ अंग्रेज आए, वह इतने सारे जनसंख्या पर काबू पाए क्योंकि उनके अंदर हुक्मरान थे, वह उनका शासन था। तो इस हिसाब से आपको लगता है कि बहुजनों का शासन यहाँ सकता है, जैसे कि पार्टियां बहुत सारी बन रही है, एक पार्टी थी हमारी राष्ट्रीय पार्टी और उसके बावजूद कोई भी पार्टी बना लेता है। यदि हम अपने मेरठ की बात करें तो एक किरण जाटव है, मैं उनका ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, मनुवादी विचारधारा है, एक पार्टी उन्होंने बना ली, कुछ दिन चली बंद हो गई, बैठ गई शांत, उनको ये लगता है कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा तो उल्टी सीधी कमेंट्स करती है कि कोई किसी प्रकार से हाईलाइट तो हो जाऊं मैं। उसके बाद एक पार्टी और बनकर आती है, कुछ दिन पहले वामन मेशराम जी बना लेते हैं पार्टी, बहुत पार्टियां बन रही है, संगठन बहुत बन रहे हैं। इस हिसाब से आपको लगता है कि बहुजनों का शासन आ सकता है नहीं, क्योंकि जब टुकड़ों में बढ़ जाएगी वोट बढ़ जाएंगी भाई, तो इसके बीच आपने एक कैडर का छोटा सा स्वरूप जोड़ दिया है। आपको बताऊं 1971 उससे पहले आरपीआई होती थी, 1971 के बाद आरपीआई खत्म होने लगी। 1971 में 72 में एक समझौता होता है 71 में कांग्रेस और आरपीआई का, गठबंधन कर लेते हैं, तो ये गठबंधन होता है पुणे में, पुणे में गार्ड के हॉल में जब समझौता होता है, और उस समय 521 सीटें होती थी लोकसभा की, और जब मानव साहब आरपीआई मीटिंगों में जाते थे उस समय मानव साहब ने बामसेप या बहुजन समाज पार्टी या कोई होता नहीं होता, तो खुद आरपीआई की पार्टियों में मीटिंगों में जाते थे, तो उन्होंने मीटिंग में गए तो उन्होंने देखा कि 521 सीट को लोकसभा अध्यक्ष के लिए संबोधित करने वाली कांग्रेस कहती है आज आरपीआई और भाजपा कांग्रेस में समझौता हो गया, गठबंधन हो गया है, और जब दोनों नेता बाहर निकलते हैं राष्ट्रीय नेता भाजपा कांग्रेस और आरपीआई के, तो वो मीडिया से मुखालिफ होते कहते हैं कि 520 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और एक सीट पर आरपीआई। समझौता है क्या? ये समझौता है? ये समझौता नहीं, विलय था बिल्कुल, आरपीआई खत्म करें। लेकिन उसके बाद मानवर साहब ने उसमें आरपीआई को धक्का मारा और अपने तरह से राजनीति शुरू कर दी, और मानवर साहब ने 1978 में बामसेप बनाई, 1981 में BS4 बनाई, इससे राजनीति शुरू की, और 1984 बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी बनते ही पूरे भारत में मनवादी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने दलितों को दाना डालना शुरू कर दिया, दलितों को राष्ट्रपति बनाने शुरू कर दिया, दलितों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना शुरू कर दिया, जैसे बंगारू लक्ष्मण थे कांग्रेस भाजपा के, बंगारू लक्ष्मण भाजपा के थे, आपके जगजीवन राम कांग्रेस के थे, इसका राष्ट्रपति कांग्रेस के बनाए, उसके दलित समाज के, आज फिर दलित के राष्ट्रपति बनाए। ये कब हुआ? जब बहुजन समाज पार्टी इस देश की सत्ता में काबिज होने के लिए अग्रसर होने लगी। उन्होंने कहा कि अगर हम उनके लोगों को, बिचौलियों को बहुजन समाज की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये लोग ऐसा ना हो कि सत्ता में आ जाए, और उसका प्रारूप आपको देखने को मिला 1991 में। मानवर, मैं इसलिए बता रही हूँ, ये तिथिवत मैं इसलिए बात करता हूँ कि एक बार 1988 में जब मानवर काशीराम जी और राजीव गांधी में सुलह हुई, बात हुई, तो उन्होंने कहा गठबंधन कर लेते हैं, तो काशीराम जी ने कहा कि ठीक है गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो गठबंधन होगा आपकी शर्तों पर, हम दोनों की शर्तों पर होगा। तो उत्तर प्रदेश में 75 सीटें होती थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक बार, आप 40 सीटें, मैं 35 सीटें लड़ूंगा, मानव साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा 35 तो नहीं दूंगा, आप तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, हमारे लोग ज्यादा है, हमारे बहुत लोग ज्यादा है तो सीटें ज्यादा मांग रहे हैं, वोट ज्यादा है, सही बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे तो हम आपको नहीं दे पाएंगे 35 सीटें, आपको 10-12 सीटें दे सकता हूँ। तो मानव साहब ने कहा फिर हम समझौता नहीं करेंगे, अरे तुम 3 सीटें भी नहीं जीत पाओगे। उसी दौरान लोकसभा का भी चुनाव था और राज्यसभा का भी, विधानसभा का चुनाव था। तो मानवर साहब ने जब उस लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो हमारे उसमें 3 सांसद चुन के आए 1989 में, और 13 विधायक चुन के आए, और जब राजीव गांधी जी सदन में मिले तो उन्होंने कहा कि काशीराम जी बोलो आपने क्या पाया, आप सिर्फ 3 सांसद जीत का पाए इतनी बड़ी लोकसभा में, इतने देश में खड़े हुए, तो अब आप तो बेकार हो गए, आपने जीत नहीं पाया। तो काशीराम, मानवर काशीराम साहब ने कहा कि आप मेरे 3 सीटों से तो बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं देख के इतनी कम आई, लेकिन आपको वो दर्द नहीं हुआ कि मेरी वजह से आपको 76 सीटें हारे हैं जिससे आप लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं।
वो आपको 76 सीटें नहीं दिख रही जो हमने भारे हैं, तो आपने समझौते के तहत हमने बात की थी उसमें आप पूरा नहीं किया। तो ये बड़ी चीजें हैं जब मानवर साहब को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने तमाम तरह के षड्यंत्र कर दिए, इसको लगा बीजेपी लगा दिया, उसके तहत तमाम तरह के प्रोपेगेंडे, राजनीतिक एजेंडे, धार्मिक एजेंडे 1991 में आपको राम मंदिर, बिल्कुल 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 आपको देखने को मिला कि मानवर साहब ने अपनी शर्तों पे ये 3 सीटों का समझौता बीपी सिंह को दिया। क्या कहा कि हमको बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्त फोटो है वो सदन के अंदर लगी होनी चाहिए, नहीं लगी है, पार्लियामेंट तो बाबा साहब के द्वारा चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो भारत रत्न का जो सपना पूरा नहीं करा अभी तक कांग्रेस ने, वो सम्मान भी आपको देना होगा, तो देना होगा, ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त ये कि जो पिछड़ा आयोग की जो मंडल आयोग है, कई बार मंडल कमीशन जो रिपोर्ट पड़ी है जो अभी तक लागू कांग्रेस ने नहीं किया, अगर आप वो लागू करते हैं तो हमारे 3 सांसद आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको समर्थन। उन्होंने कहा आप कोई मंत्री पद ले लो, बहन जी को मंत्री बना दो, बहन जी को या किसी बंदे को मंत्री या महामंत्री नहीं बनाऊंगा, मेरी 3 शर्तें पूरी कर दो। और आपको याद हो उसी 1991 के उस आरक्षण ओबीसी समाज को आरक्षण देने की वजह से वो जो जनता दल थी बिखर गई, बिखर गई, लेकिन मानव साहब ने अपना वादा पूरा किया और मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को लागू करा के देश के पिछड़े समाज को 57% का आरक्षण दिलवाया, जो लगभग 54% का संख्या में होने के बावजूद भी गरीब है जी जी। और आज जब उनको 57% आरक्षण के तहत उनको हिस्सेदारी दिलवाई, ये तमाम जो घटनाएं हुई है ये सब बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक स्तर पर आने के बाद हुई है। और इसको कमजोर करने के लिए अब आपने देखा होगा कहीं भीड़ आर्मी आपको दिखाई देती है, जिसका जो बाबा साहब अम्बेडकर का विचारों, बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस जो उनके विचारों से कहीं मेल नहीं खाती है बसपा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। आप भी काम कर रहे हैं कई सालों से, मैं देख रहा हूँ आपको, मैं 4 साल से तो आपको मैं खुद देख रहा हूँ जब से मैंने इस आंदोलन में भाग लिया है सामाजिक परिवर्तन के, और आपको किसने कितनी गाड़ियां दी आपको पता है, आपको कितना कितनी लग्जरियस दी आपको पता है, कितनी मुश्किल हालात में हुए मुझे पता है, आप काम कर रहे हैं, हम भी मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम मिशन के प्रति गद्दार नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को मजबूती के साथ चलाना चाहते हैं, हम मानवर कासीराम जी के संघर्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी के साथ लास्ट सांस तक रहना चाहते हैं। माननीय बहन जी का त्याग बलिदान वो सब कुछ छुपा नहीं है, उनके शासनकाल को देखा है हमने, तो इन सभी को कमजोर करने के लिए राजनीतिक जो उठापटक हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन है, और हमारे लोग नहीं समझ पा रहे। आपके आसपास के बहुत सारे युवा भटके हुए हैं और उन भटके हुए उनके पिताजी भी शामिल हैं, इनको शायद राजनीतिक माइलेज नहीं मिला होगा बहन जी की सरकार में, क्योंकि हर एक बच्चे को सरकारी नहीं मिल सकती है, राजनीतिक सरकार जो होती है वो सबके लिए होती है, ना कि किसी जाति विशेष के लिए। सुदेश जी, आपकी इस बात पर एक शेर है वो काफी वायरल हो रहा है, उसको हम बता देते हैं आपको, वो आपके ऊपर भी सूट होता है, हमारे ऊपर भी होता है, और हमारे जैसे और भी जो मिशन में जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी सूट होता है। वह शेर है कि तरक्की की फसल तो हम भी काट लेते, तरक्की की फसल तो हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, बस मेरे लिहाजे में जी हुजूर न था, बस मेरे लिहाजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं तो कब का अमीर हो जाता। तो ये शेर काफी वायरल हो रहा है। बिल्कुल, ये शेर जो है आपने बहुत अच्छा कहा, और इससे बात ठीक है, हम लोग विचारधारा और बहुजन मिशन मूवमेंट को समझ के चलने वाले व्यक्ति हो गए हैं, और हमें लगता है हमारे खून में आ चुकी है, जो लोग नीला ऊपर पहनते हैं हमने अपने खून में शामिल कर लिया उस कलर को। और उस कलर के बाद अब बात करें तो हम संविधान की बात कर रहे हैं। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको रामराज की गुंज सुनाई देती है, आपको पता होना चाहिए देश में संविधान का राज होना चाहिए, इस देश के लोगों को पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि जिस देश का संविधान था तब आपको बड़ी ताकत से इस देश में इतनी बड़ी तरक्की पाई है। रामराज तो पहले भी होगा जब देश आजाद नहीं था, या जब मुगल आए होंगे तब भी होगा, जब इससे पहले भी वो हजारों जातियों हजारों खंड में बटा भारत जो रियासत में बैठा हुआ था राजा अलग अलग रजवाड़ों में, तब भी रामराज होगा, लेकिन तब भी इस तरह के देश में तरक्की नहीं थी। विश्व तो उसमें 1700 में भी तरक्की मिटा अमेरिका, विश्व तो उसमें भी हिरोशिमा नागासाकी में उसमें परमाणु बम से युद्ध हो रहे थे, लेकिन हमारे देश में कब संविधान का राज आने के बाद इस देश की तरक्की हुई, इस देश की खुशहाली आई, इस देश में टेक्नोलॉजी बढ़ी, इस देश में महिलाओं को समानता मिली है, इस देश में सबसे नीचे तबके पे बैठने वाले व्यक्ति को भी गद्दी नसीब हुई है, जो तब देश आपने देखने को मिली है, तो वो कब हुआ है, देश के संविधान से। तो संविधान का राज चाहिए, ना कि राम राज चाहिए। राम की दुकान आप घर पे चलाइए ना, राम को मानने वाले एक जाति विशेष के धर्म विशेष के लोग हो सकते हैं,
देश अखंड है, देश में तमाम धर्म है, तमाम लोग हैं, वो सभी अपनी विचारधारा है, सब अपने अपने मानते, लेकिन संविधान सबको मानता है और संविधान को सब मानते हैं। तो ये देखना जरूरी है आप लोग इस तरह की बातें मीडिया द्वारा कही कि संविधान का राज होना चाहिए ना कि राम राज। राम राज में तो जो सम्मुख ऋषि थे उनको मार दिया था, उसमें महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी, पुरुष जबकि अत्याचारी और शोषणकारी महिलाओं होते थे, एक एक पुरुष चार चार और महिलाओं को रखता था। आज मुसलमानों की यार उसकी तो राम राज की तुलना तो हम संविधान से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो टॉपिक छेड़ना बेकार है ना, क्योंकि उस समय तो पता नहीं क्या क्या होता था, मछलियों से बच्चे पैदा हो जाते थे आकाश से। लेकिन सुदेश जी एक मिनट, जो मेरा सवाल था ये था कि आपसे कि जो इतनी सारी पार्टियां बन गई, संगठन बन रहे हैं, कि हमारा जो माननीय साहब का जो सपना था कि बहुजनों का शासन आना चाहिए, क्या आपको लगता है कि शासन इस हिसाब से आ सकता है? अब 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद में फिर लोकसभा आएगी। इस बार लोकसभा में हम चाह रहे थे कि बहुजनों का शासन आएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्या आपको लगता है कि मतलब जल्दी में हमारे जीते जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंडे सेट किए हुए हैं जो वोट काटने का काम कर रहे हैं? जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो सपना खुली आंखों से देखा जाता है और उसकी जो कोशिश की जाती है वो साकार होता है। जी, हम और आप जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर, पदाधिकारी और तमाम जो माननीय बहन जी दिशा निर्देश महापुरुषों का आंदोलन के साथ चल रहे हैं, उनको पता है ये आंदोलन राजनीतिक से पहले सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन जिस दिन आया, राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में होती है। लोगों को भी पता चल रहा है धीरे धीरे कि जो लोग कुछ नहीं थे वो आज सब कुछ बने होने का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब है वो लोग किसी के हाथों में खेल रहे हैं। और जहां तक कि हमने कई भीड़ आर्मी के साथी अपने देखे हैं, वो कहते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है, हमारा एक व्यक्ति के रूप में उसको मेरे उसकी शक्ल अच्छी लग सकती है, जो उसको फेमिनिस्ट मान सकते हैं, उसको एक्टर मान सकते हैं, लेकिन मेरी राजनीति धरोहर तो बहुजन समाज पार्टी और हमारे नेता बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी है, जिसको हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए संबद्ध है। और जो लोग पहले वोट नहीं देते थे वो आज भी नहीं दे रहे, वो तो आप सोशल मीडिया पर गाली देते हुए पहले दिख जाते होंगे, कांशीराम जी को गालियां दी लोगों ने, बाबा साहब को गालियां दी। दुर्भाग्य है कि हमारे जो बहुजन महापुरुष थे, जाने के बाद लोगों ने गले लगाए हैं, जिंदा रहते हैं उनको गालियां दी हमारे लोग, ठीक है। तो हम ये चाहते, हमारा पूरा जो घटनाक्रम पे ही बात हम रखते थे कि जो हाथरस में हुआ, जो बलरामपुर में हुआ, जो आपके भोजपुर में एक बार हुआ था, किसी बच्चे को काट दिया था रोड में, वो हुआ, उसके बाद आसपास के साथ हुआ, तमाम ऐसी घटनाएं हुई, इन पे सरकार संज्ञान ले। ये राम राज, ये रावण राज, ये तमाम तरह के जो राज हैं उनको खत्म करके संविधान राज की बात करें, न्याय की बात करें, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं उमेश भाई, समस्याएं इतनी कि अभी हम कहीं आर्थिक विश्लेषण की बात क्यों नहीं करी सरकार। आप सरकार 4 महीने से एक सुशांत सिंह को मार रही बार बार पटक पटक के, ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कैसे उसको ड्रग्स का ड्रामा करके इस देश में, ऐसा तो हर घर में होता है, आपने गांव गली में लोग गांजा अचार और धतूरा खाते हैं, ड्रग्स नहीं है क्या? तो दारू दिलवर पीते हैं, वो ड्रग्स नहीं है क्या? पहले वाले कोठियों में रहने वाले लोग भी आए दिन कुछ ना कुछ खाते पीते, नशे पत्ती का, वो ड्रग्स नहीं है क्या? लेकिन देश की एक व्यवस्था जहाँ चमक दमक है उसकी तरफ अट्रैक्ट करना, मीडिया को मूलभूत समस्याओं से देश को भटकाना, कोरोना में जो लोग हजारों करोड़ों लोग बेघर हुए, बेरोजगार हुए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री तबाह हुई, व्यापारी वर्ग खत्म हो चुके होने के कगार पर, मरने के कगार पर है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। आप जो लोग करोड़ों रोजगार बेरोजगारी हुई है देश में उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लाखों करोड़ों लोग जो गांव पलायन करके गांव में अब इसमें मुश्किल हालात में जी रहे हैं, सरकार उस पर तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो कह रही है घंटा और घंटा बजाकर इस देश का उद्धार होगा। माफ करिए, इस देश में जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, स्कूल कॉलेज नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल्स नहीं बनेंगे, किसी भी राष्ट्र का निर्माण बेहतर नहीं हो सकता। आज जिस जो दुर्घटनाएं हो रही है इसलिए हो रही है कि हम लोग अज्ञान है, अज्ञान क्यों होंगे, हमें शिक्षा नहीं है, और जब शिक्षा नहीं होती तो डेफिनेटली आप पे अत्याचार होगा, आपके बेटियों को घरों से उठाया जाएगा, आपकी बहनों को साथ दुराचार होगा, महिलाओं के साथ दुराचार होगा, युवाओं के साथ दुराचार होगा, और यहाँ तक कि अब पुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आपको पता है राजस्थान में घटना हुई थी, पेट्रोल उसकी प्राइवेट एजेंसी डाला गया था, पेशकश तक घुस दिया गया था जी, वो साफ नायक था ना, कौन था सरकार में? कांग्रेस जी, और इधर बीजेपी, दोनों एक थाली के चट्टे करते हैं, हमारे लोग नहीं समझ पा रहे, एक कट्टरवादता का एक सॉफ्टवादता का, दोनों ही इस देश के मानवता के नाश करने वाले हैं। इनको पता है संविधान लागू हो गया, लोकतंत्र लागू हो गया, इनकी मनीषा को न्याय मिल जाएगा, इनकी बलरामपुर की बेटी को न्याय मिल जाएगा, इनके आसपास न्याय मिल जाएगा, तमाम अकलियत की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ शोषण बलात्कार हत्याएं होती है उनको न्याय मिल जाएगा। ये सब ना हो
इसलिए ध्यान भटकाया जा रहा है ड्रग्स पे, इसके ध्यान भटकाया रिया चक्रवर्ती पे, ये 3.5 महीने से झेल रहा है और मीडिया के द्वारा इस देश के सुशांत सिंह को, क्यों बिहार का चुनाव, इसलिए देश की भावनाओं को भटका कर, देश की मूलभूत समस्याओं से भटका कर इस देश के लोकतंत्र को ठगा जा रहा है, इसकी बात कौन करेगा, हम और आप कर सकते हैं। इस देश की बात हम आप करेंगे तो डेफिनेटली लोग सुनेंगे और समझेंगे। तो उमेश भाई बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे सरकार कमजोर हो चुकी है, इसलिए उनको छुपाने के लिए पर्दा आ रही है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात आपकी बात को तवज्जो दूंगा। 1911 में जब देश की राजधानी उससे पहले कोलकाता होती थी, दिल्ली नहीं, 1911 के बाद जब देश की राजधानी दिल्ली बनी तो उसमें वहां के वाइस चांसलर, वहां के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स, जो वहां के सरकारी महकमा जो था अंग्रेजों का, दिल्ली के लिए कुछ करता है, क्योंकि दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली तक आने के लिए उसमें हवाई जहाज सुविधा होती नहीं थी, रोड से आते थे, एसीजीटी रोड से लोगों ने आने के लिए तय किया, जो उनके पास गाड़ी घोड़े और बैलगाड़ी होते थे उसमें पूरा साथ सामान आएगा। तो उन्होंने कहा जो वहां के जो राजा थे, रजवाड़े थे और जो सरकारों के अधीन थे अंग्रेजों के, जो वहाँ के जागीरदार थे, उन्होंने कहा कि अगर गांव के आसपास के एरिया देख लिया जिसमें झुग्गियां हैं, जो झोपड़ियां हैं, लोग नंगे घूम रहे हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं है, तो हमारे को अंग्रेज लोग मारेंगे और भगा देंगे, तो क्या किया जाए। तो कलकत्ता से और दिल्ली तक जो जो गाँव और क्षेत्र पड़े जहाँ बहुत भुखमरी और बेरोजगारी थी और बुरा हाल था, सब पे तिरपाल डाल दिया गया, ढक दिया गया। आज उसी तरह से मीडिया काम कर रहा है, सरकार की तमाम नाकामियों, सरकार की तमाम विफलताओं, सरकार की देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमा सुरक्षा में विफलता के कारण मीडिया क्या दिखा रहा है, सुशांत सिंह गया, मीडिया क्या दिखा रहा है, रिया सिंह चक्रवर्ती ने ड्रग्स लिया, मीडिया क्या दिखा रहा है, देश में तमाम जैसे मीडिया दिखा रहा है ताली और थाली बजाओ, मीडिया दिखा रहा है लाइट जलाओ, लेकिन मीडिया ये नहीं बता रहा है कि इस घर में ताली थाली बजाने वाले घर पे थाली में खाना है या नहीं। साफ दिख रहा है मीडिया प्रचार के द्वारा इस पर्देदारी को ढक रहा है। हाँ जी सुरेश जी, हाँ मैं कह रहा हूँ जो आपने बताया पूरा विस्तार से, बहुत गंभीरता से आपने जो बातें रखी, और ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि आप स्टडी करते हो, काफी नॉलेज रखते हो, और माननीय साहब का एक वाक्य याद आता है कि जो कौम जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशों के समान होती है, उसको मरी हुई मुर्दा लाश समझो। लेकिन आज जो वक्त है वो आवाज उठाने का है। आज जो समाज के साथ ये घटना हुई थी जिससे हमने स्टार्ट किया था हाथरस कांड से, और आज आवाज उठने लगी है, तो समझो आज हमारी जो कौम है बहुजन समाज की बात करते हैं, काफी जागरूक हो रही है, उसके अंदर काफी एकजुटता भी आ रही है। एकजुटता इसलिए देखने को मिली है क्योंकि तमाम समाज जो बहुजन समाज की जातियों में बिखरा हुआ था, खासतौर पर यदि हम जाति की बात करें, वाल्मीकि समाज व चमार समाज जाटो बोलते इसको, वह समाज एकजुट होता दिखाई दे रहा है। जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं सबसे ज्यादा यही समाज सबसे आगे है, तो इस चीज से लग रहा है कि समाज हमारे जो जिसको लाश बोलते हैं कि लाशों के समान होती है, उसमें आज जान पड़ने लगी है कुछ कुछ उसके अंदर। आपको जी उमेश भाई, शुरुआत के दौर में हमने बातचीत जब चल रही थी, तो खत्म होने के दौर पे आ गई है, शुरुआत दौर पे हमने कहा था बलरामपुर की घटना को कांग्रेस या उसके समर्थित जो मूछों वाले मित्र हैं इस देश में, बहुजनों की बात करने वाले, बहुजनों को ठगने वाले दोस्त हैं जो, और जो नए सिपहसालार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछे बलरामपुर की घटना में क्यों नहीं गए, क्योंकि वहां 30,000 लोग ही उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उसमें घटना में जो जो आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के हैं, कांग्रेस के से मुसलमान कहीं नाखुश ना हो जाए, भीड़ आर्मी जो आज मुसलमानों की तरफदारी करती है वो कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए ये लोग वहां नहीं गए। और इनको पता नहीं आज की डेट में मुसलमान कौन सा उन अपराधियों के खिलाफ रोडों पे नहीं है ना, मुसलमानों को पता है कि जो अपराधी है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे जो नए नवेले लोग जो भीड़ में लेके चल रहे हैं नीला गमछा पीला गमछा डाल के, कांग्रेस के गुलाम बने पड़े हैं, उनको वहां नहीं जाने की फुर्सत होगी, क्योंकि उनको पता है मुसलमान ही अपराधी है। ये बात मुसलमान लोग उनके अपराधियों के खिलाफ नहीं आ रहे हैं, न रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आग से हाथरस की घटना आपने देखने को मिली होगी, वहां पर सवर्ण समाज के जो मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं जिनमें अभी भी जातिवाद खूब रहा है, रैलियां की आसपा के केस में वैसे हुआ, भारतीय जनता पार्टी के खुद वहां के जो वहां के मंत्री थे विधायक थे सुरेश रैना, वहां रहना थे, उन्होंने खुद जो वहां के विधायक थे उन्होंने बाकायदा उस जगह पर प्रोटेस्ट किया और तिरंगा मार्च निकाला था, अधिकारियों के पक्ष में, बचाने के पक्ष में, अरे आपके घर में बहन बेटियां हैं, आपके घर में भी माँ बहन है, उनकी थोड़ा कदर करनी चाहिए। यही मेरी पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि आप लोग सब परिवार वाले लोग हैं, अपने घर में बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे जाकर, हाथरस से जो घटना घटित हुई है उस बेटी को रात को जला के आए हो, जिस बेटी के सिर्फ ये जुर्म था कि दलित समाज से थी, उसका सिर्फ ये कसूर था कि गरीब के घर की थी,
उसका एक जो कसूर था उसके सही शरीर पे सही से पूरे कपड़े नहीं थे, सिर्फ ये जुर्म था उसका, या शिक्षा नहीं प्रॉपर थी, या जमीन नहीं थी, और उस मानसिकता की वजह से आपके अंदर हैवानियत पैदा हो जाती है मनवादी विचारधारा में, और उसके समर्थन में आप रैली करते हैं। बहुत ही इंसान ने मुझे विडंबना है इस बात पर, काफी विडंबना होता है। हमारी सभी की मांग है, हम चाहे राजनीति नहीं कर रहे हैं, मैं माननीय बहन जी लगातार उनके संपर्क में, बहन जी ने पूरा अपना जो भी उत्तर प्रदेश में हमारा जो महकमा है बहुजन समाज पार्टी का, तो लगातार संवेदनशील और अति अमानवीय व्यवहार करने वाले जहाँ घटनाएं हो रही है उन पे जा रहे हैं। हमारे दया सिंह दिनकर ये जो है, जो बहन जी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी सांसद और तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो लगातार बहन जी के दिशा निर्देश पर वहाँ घटनाक्रम पे जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये तो बस हाथरा हाथरस चिल्ला रहे हैं, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, हम सब की मांग है, हमारी मांग। लेकिन जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े समाज पर या अकलियत के समाज पर हमला हुआ या उनकी इज्जत को तार तार किया गया, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी उन सभी परिवारों से मिलने गए, उन सभी परिवारों के हित और उन सभी परिवारों की रक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई और सरकार से न्याय के लिए उन सभी को SIT गठित करने के लिए कहा। ये सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हो रहा है। ये हम लोग राजनीति वोट की नहीं कर रहे हैं, हम परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग अपने एक दूसरे को बदलने की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब समझने की चीज है, ये जो घटनाएं हो रही है, घटनाएं ना हो इसके लिए आपको बहुजन समाज पार्टी की ताकत को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आज भी लोग कहते हैं, आप पहले भी कहते रहे, जब जब माननीय बहन जी आई तो यहाँ का जो ठाकुरवाद जिसे आज लोग चिल्ला रहे हैं, या जो मनवादीवाद है जो अपने आप को योगी आदित्यनाथ के साथ समतुल्य समझता है, वो लोग कुंडा के गुंडा जेलों में ठुसे होते थे, कुंडा के गुंडा कमर सीधी नहीं कर पाते थे, ऐसी बैरक में रखा गया था। क्यों? क्योंकि अपराधियों की जगह कहाँ होती है? जेल में। सुदेश जी, ये तो खैर बहन जी ने कभी भी पक्षपात नहीं किया, अगर उनकी पार्टी के भी या उनकी बिरादरी के भी नेता रहे हो, उनको भी उन्होंने उनके ठिकाने पर लगाया है। उन्होंने कभी नहीं पक्षपात किया कि ये मेरी बिरादरी का है या मेरी पार्टी का नेता है, मंत्री है, कोई भी हुआ हो, यदि उन्होंने देखा कि अपराधी की श्रेणी में आता है ये, तो उसको ठिकाने लगाया बहुत जल्द करके। ये उनका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो सुदेश जी, आज के लिए इतना ही काफी, और कभी बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर, क्योंकि लंबा टॉपिक हो गया। हम सभी की इच्छा है, जो मनीषा का परिवार है, क्योंकि वैसे तो मीडिया में नाम नहीं लेना चाहिए, हम उसे हाथरस की बेटी कहते हैं, हाथरस की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी, और तमाम जो बेटियां हैं उन सभी को न्याय मिले और उन परिवारों को सुरक्षा मिले, उन परिवारों को शक्ति मिले, सहन शक्ति भी मिले, उन सभी परिवारों के साथ हम लोग खड़े रहे और लास्ट सांस तक तो न्याय ना मिल जाए, जैसे निर्भया के साथ हुआ, निर्भया के बाद उसके अपराधियों को सजा मिली। मुझे लगता है वो निर्भया के जो अगर आत्मा परमात्मा कुदरत जो भी मानते हैं लोग, उसके वो शांति मिली होगी, जैसे परिवार को अच्छा लगा कि चलो मेरी बेटी को कहीं ना कहीं अपराधियों ने अपराध किया, उनको दंड मिला। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, जो तमाम न्यायालय हैं, इस बच्चों को, इन बच्चों के खिलाफ हो रहे शोषण को रोकने के लिए ऐसे कठोर कानून बनाए और जो कानून बने हैं उनको सही से लागू करें, तो निर्भया की आत्मा दोबारा से शांति पाएगी, उस आदर्श की बेटी को न्याय मिलेगा, बलरामपुर की बेटी को न्याय मिलेगा, ये आपका भदोई की बेटी को न्याय मिलेगा। यही हमारी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हर एक कार्यकर्ता की मांग है, शोषण के खिलाफ आवाज उठे, न्याय मिले, कानून बने और जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है देश में उनकी तरफ सरकारों का ध्यान जाए। जी, तो आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, नमोबुद्धाय अमीश भाई। मैं सुदेश कुमार आर्या, बहुजन समाज पार्टी। जी जी सुदेश जी, जय भीम। और ये थे हमारे साथ सुदेश आर्या जी, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है दिल्ली से। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूँ जी। सुदेश जी, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।